हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्लासिक वोफल, जिसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में बटर डालेंगे, ये मेल्टेड है। शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, वेनिला एसेंस डालेंगे, विस्कट की सहायता से मिक्स करेंगे। हमारा सारा मक्खन और दूध जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हम इस पे डालेंगे मैदा, आटा ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे और विस्कर की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बहुत थिक बैटर है, तो हम इसमें दूध और डाल लेंगे। दूध जो है वो ज़रूरत के हिसाब से ही डालें, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम वोफल मशीन को 2 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। अब हम मशीन को ग्रीस करेंगे। आप इसे बटर से या ऑयल से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अब बैटर को बीचों बीच डालेंगे ताकि वो चारों तरफ इक्वल फैल जाए। तो 2 मिनट इसको बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद इसको फ्लिप कर देंगे। दो मिनट बाद इसको दोबारा फ्लिप करेंगे और 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम वोफल मशीन खोल के देखेंगे। हमारा वोफल एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, एकदम रेडी हो गया। ये देखिए, हमारा एकदम परफेक्ट बना है और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन है। आप इसे जैम के साथ, फ्रेश फ्रूट के साथ, मैपल सिरप के साथ, व्हिप क्रीम के साथ, हनी के साथ, वेनिला आइसक्रीम के साथ, अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। मैं इसे वेनिला आइसक्रीम के साथ सर्व करूँगी। ये हमारा वॉफल बिल्कुल रेडी है। आप इसे ऐसे ही सर्व कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय, बाय बाय।